आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी की, तो इसमें जानेंगे कि आज के शाम के कारोबारी दिन किस कमोडिटी में तेजी और मंदी देखने को मिली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटी की, और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी, गुड आफ्टरनून। तो अनुज जी, नॉन एग्री कमोडिटी में आज हम बात करेंगे सबसे पहले सोने और चांदी की। तो आज बता दें, MCX पर सोना 52,000 के ऊपर कारोबार करता दिखा और चांदी 58,000 के ऊपर कारोबार करती दिखी है। तो आपको क्या लगता है कि सोने चांदी में जो तेजी है ये आगे और बरकरार रहेगी और बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, सोने चांदी में जो तेजी बनी है ये हमने देखा था कि इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से गोल्ड में तेजी आती हुई दिखाई दी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में देखे तो भावों में ऐसा कोई ज्यादा फेर बदल नहीं है। आज US मार्केट बंद है। हमें लगता है कि गोल्ड में थोड़ी बहुत तेजी देखी जा सकती है, मगर सिल्वर के अंदर हमें लगता है कि मार्केट में कोई गिरावट रहेगी। गोल्ड की लेकर बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर में 52,300-52,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। भाव नीचे करीबन 57,500 तक के लेवल दिखा सकता है, तो गोल्ड में खरीदारी की तरफ जा सकते हैं और सिल्वर के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के ट्रेड ले सकते हैं। जी, तो जैसा कि अनुज जी ने बताया कि आप गोल्ड में आगे कारोबार करके चल सकते हैं, ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के शुरू होने के बाद ही कच्चे तेल का भाव 139 बता दें कि इस पे रुपए पे ये कारोबार करता दिखाई दिया है। तो आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, कच्चे तेल के बाजार में हमने एक तेजी का ट्रेंड बनते हुए देखा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमने क्रूड और नेचुरल गैस में तेजी का रुख बना है। हमें लगता है कि क्रूड और नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है। हमें लगता है कि भावों में यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में हमने रिकवरी आते हुए देखी है और MCX के अंदर भी हमने यहाँ पर तेजी का ट्रेंड आते हुए देखा है। हमें लगता है कि इंट्राडे में क्रूड के भावों में तेजी का रुख देख सकते हैं और ऊपर में करीबन 8,700 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। साथ में अगर नेचुरल गैस की बात की करें तो यहाँ पर भी तेजी का ट्रेंड दिखता है। हमें लगता है कि ऊपर में 470 रुपए तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड और नेचुरल गैस दोनों ही एनर्जी सेगमेंट में हमें लगता है खरीदारी का ट्रेंड बना के चला जा सकता है। भावों में यहाँ पे रिकवरी का दौर देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, अगर बेस मेटल की बात करें तो आज बेस मेटल का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, बेस मेटल में भी हमने एक लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। बेस मेटल में भी ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, मगर बेस मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट सलन राइज का रहेगा, क्योंकि रिसेशन की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट होने की वजह से यहाँ पे गिरावट भी देखी जा सकती है। तो हमारा व्यू यहाँ पे सेलिंग की साइड रहेगा। बेस मेटल में सलन राइज का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अगर हम कॉपर की बात करें तो यहाँ पर करीबन 680 के आसपास में बिकवाली का ट्रेड लें, नीचे 670 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। जी अनुज जी, अगर हम ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो किस कमोडिटी में आज कारोबार करके आगे चला जा सकता है? देखिए, इंटरनेशनल कमोडिटी या नॉन एग्री की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि क्रूड और नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। क्रूड में ऊपर करीबन 8,700 तक के लेवल देखे जा सकते हैं और नेचुरल गैस में 470 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड और नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। साथ में हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, नीचे 57,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी, अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो पूरे हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटी में किस कमोडिटी में आपको लगता है कि आगे कारोबार करके चला जा सकता है? देखिए, अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर नॉन एग्री में अगर देखें तो क्रूड और नेचुरल गैस में ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है उससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। साथ में सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। जी जी, तो यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे एग्री कमोडिटी के बारे में। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस,
हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।